हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं TCS शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर अप ट्रेंड के बाद स्टॉक यहाँ पर ट्रेंड को ब्रेक करता है। ब्रेक होने के बाद स्टॉक यहाँ पर हमें फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने भी 4000 के लेवल को तोड़ा है। क्या यहाँ से तेजी आएगी और यदि तेजी आएगी तो कहाँ तक हमें स्टॉक का टारगेट देखने को मिल सकता है, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। अब आप देखेंगे जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, इसके आसपास हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला और इस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं फिर से गिरावट हुई, एक बार फिर हमें तेजी देखने को मिलती है। अब आप देखेंगे प्रॉपर अप ट्रेंड करते हुए स्टॉक इस रेंज को फॉलो कर रहा है प्रॉपरली। ये देखिए, इस तरह से रेंज फॉलो करते हुए स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चला और यहाँ पर हमने देखा है रेंज यहाँ पर ब्रेक होती है, यहाँ पर आप देखेंगे डाउन हो जाता है स्टॉक। ये देखिएगा, इस रेंज को तोड़ करके स्टॉक नीचे की तरफ आया और नीचे आने के बाद स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 3800 रुपये के आसपास हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, यहाँ से गिरावट हुई लगभग 3800 के आसपास की, फिर स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ चला और 4000 रुपये के आसपास अभी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ पर 4000 रुपये के आसपास स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चलता है, यहाँ आप देखिए कंसोलिडेशन साथ साथ कहाँ चल रहा है, जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है तो एक बार फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ लगभग 4200 या फिर 4400 तक के टारगेट आपको फिर से दिखा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो रखना होगा 3900 रुपये के आसपास का। तो 3900 का स्टॉप लॉस रख करके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो 4200 से लेकर के 4400 तक का आपको देखने को मिल सकता है।